नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो आज मथुरा में 6800 लिस्ट में चयनित सांझी मथुरा में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी से सार्थक मुलाकात। प्रयास हर स्तर से सभी जारी रखे, ये कहा गया है इनके द्वारा। इन्होंने आज स्वतंत्र देव पटेल जी से मुलाकात किया। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव पटेल जी ने इनकी सभी बातों को ध्यान से सुना और कहा है कि 600 के मुद्दे को लेकर के ही अन्य मुद्दे को लेकर के ही कैबिनेट मीटिंग की बैठक हुई थी। मीटिंग में स्पष्ट हुआ है कि नए एजी महोदय जो कि नियुक्त किए गए हैं उनको माथुरसर से मुलाकात करके 6800 से संबंधित जो भी रुकावटें हैं उसको दूर करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों से हर स्तर से भी तकनीकी पेश है उसे दूर करने का आदेश दिया गया है। लखनऊ थाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली वर्मा ने अपना ज्ञापन था वो कैबिनेट मंत्री और वहाँ पे मौजूद अधिकारियों को भी दिया है। जिन्हें कहा है जल्द ही आपकी ये ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक प्रेषित कर दिया जाएगा। वहीं लखनऊ लीगल टीम की बात करें तो उन्होंने कहा है कि 6800 के पक्ष में आर्डर आया है। आर्डर में यही कहा गया है कि सरकार 25/4/2022 के बिहाफ पर 6800 को नियुक्ति पत्र दे सकती है। नियुक्ति पत्र पाने का एक रास्ता है धरना, जिसका दिनांक जल्द ही घोषित किया जाएगा। ये लीगल टीम की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है। आयोग टीम ने कहा है कि न्यायालय की इस बात से सहमत हैं कि 69 के से ज़्यादा पद नहीं भरे जा सकते, किंतु सही वाले धूप में बैठे और गलत चयन वाले छांव में यह भी तर्क संगत नहीं है। टीम ने कहा है कि जबकि सच्चाई सभी को पता है कि 6800 की नियुक्ति पर सरकार ने भी और यहां तक कि अधिकारियों ने भी स्पष्ट रूप से जो कोर्ट में अपना शपथ पत्र है यानी एफिडेविट है उसमें यही कहा गया है कि 6800 के जो नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ या फिर गुणांक जनरल से ज़्यादा था। ये नियुक्ति पाने के हकदार थे, लेकिन अब इतने समय तक इन्हें आखिर क्यों रोका गया है। जल्द से जल्द अधिकारियों को निर्देश दे करके 6800 चयनितों को नियुक्ति दिया जाए। रंजीत यादव की तरफ से कहा गया है कि लखनऊ के जितने भी लोग चयनित हैं वे सभी तत्काल हमसे संपर्क करें, महत्वपूर्ण अवसर है आप लोगों के लिए। ये रंजीत यादव की ओर से कहा गया। राजस्थान वर्मा जल्द ही अन्य अधिकारियों और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से भी मिलकर के 6800 के लिए 24 तारीख को जो एजी सर के अंडर में अब केस जाएगा उस पर सरकार की ओर से अपना अच्छे से पक्ष रखने का रिक्वेस्ट करेंगे। फिलहाल कैबिनेट मंत्री ने उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि आपके पूरे मैटर का संज्ञान हमारे और हमारे अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक है। अभी से पहले धरने की भी तैयारी की जा रही है। 6800 की परिस्थितियां जिस प्रकार से बनती जा रही है, जितना लेट होगा उतने नियुक्ति पत्र से दूरी होते जाएंगे, सभी लोग धरना का दिनांक घोषित किया जाए, ये कहा गया है लीगल टीम की ओर से। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि 24 मई के पहले यदि विशाल धरना के माध्यम से नियुक्ति पत्र की मांग नहीं हुई तो 6800 का भविष्य खतरे में, जैसे जैसे समय बीतेगा नियुक्ति पत्र से दूर होते जाएंगे। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात हुआ। मंत्री जी ने कहा है सरकार 6800 के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, आप ही को मैटर को लेकर के जल्द से जल्द एजी सर के भी नियुक्ति कर दी गई है। एजी सर से पूरे मैटर को जानकारी दे करके अच्छे से मैटर रखने के लिए कोर्ट में आपका तकनीकी पेश है उसे दूर किया जाएगा। फिलहाल ज्ञापन स्वीकार करते हैं मंत्री जी। मंत्री जी ने कहा है कि मैटर को पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं, हर हाल में 6800 को नियुक्ति देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यहाँ कई अन्य मुद्दों पर भी बैठक हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती की 6800 की नियुक्ति का कुछ तकनीकी मामला है जिसके कारण कुछ लेट हो रहा है। ये सभी अधिकारी मंत्री जी और कैबिनेट मंत्री यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया है, लेकिन जो भी तकनीकी पेंच है उसे जल्द से जल्द दूर करने का भी आश्वासन दे रहे हैं। बात करें TGT PGT नए विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पदों को जुड़वाने तथा निचले समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका जल्द ही अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच के द्वारा जारी यहां पर डाला जाएगा। याचिका युवा मंच की तरफ से TGT PGT के नए विज्ञापन को लेकर के। जबकि बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर होगी भर्ती। अशासकीय महाविद्यालय में पदों के निर्धारण की प्रक्रिया निदेशालय ने पूरी की है। तो कोर्ट के आदेश पर एसटी अभ्यर्थी को इंटरव्यू में मिलेगा मौका। शिक्षकों को जिला आवंटन सूची जल्दी होगा। 34 विषयों में भर्ती के लिए UPSC को जल्द भेजा जाएगा। दियाचन वही नाम बदलकर नए प्रमाण पत्र लगाकर बन गए सिपाही। वरीज होने पर कम उम्र दिखाकर हाईस्कूल किया। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर कर रहे हैं ड्यूटी निलंबित। 21 छात्रों को बिच्छू में दिया गया 40,00,000 रुपए से अधिक की विज्ञापन संख्या 50 में 161 असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉलेज आवंटित किया गया। 5 पदों पर साक्षात्कार देंगे 7 अभ्यर्थी। 2,908 MRC शिक्षकों को मनपसंद जिलों में तैनाती दी जाएगी। 68,500 भर्ती में चयनित सहायक अध्यापक पदों को हुआ है लाभ। तो जो 68,500 भर्ती में चयनित थे सहायक अध्यापक उनको अब लाभ मिला, अब उन्हें अपने मनपसंद जिला में तैनाती मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी, कई खिलाड़ी हैं दावेदार। 6800 को लेकर के तैयारी तेज कर दी गई है।
जो 24/5/2022 को केस लगा है उसको लेकर के सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे विपक्ष की टीम हो चाहे पक्ष की टीम। 40 लाख बच्चों ने निजी स्कूल छोड़े, निजी स्कूलों ने भी झेला है कोरोना से घाटा।